ओम परमात्मने नमः। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे मनोबल को बनाए रखें। वीडियो को पूरी देखें जिससे उसमें जो भाव है वो आपकी समझ में आ सके। आगे 15वें श्लोक में नादन्ते कस्य चित्तपापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात नादन्ते कस्य चित्तपापं न चैव सुकृतं विभो, पूर्व श्लोक में जिसको प्रभु पद से कहा गया है उसी परमात्मा को यहां विभो पद से कहा गया है। कर्म फल का भागी होना तो दो प्रकार से होता है, तो जो कर्म करता है वो भी कर्म फल का भागी होता है और जो दूसरे से कर्म करवाता है वो भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न तो किसी के कर्म को करने वाला है न कर्म करवाने वाला ही है, अतः वह किसी के भी कर्म का फलभागी नहीं हो सकता। तो सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार शरीर आदि क्रियाएं करते हैं, तो उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी अपने को ही मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। तो जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है वह बंधन में पड़ जाता है, उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते। परंतु जो मनुष्य स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल भगवान के अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है, उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्य पद से और 26वें श्लोक में कंचन पद से सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, ऐसे यहां कस्य चित पद से अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, न कि भक्तों की। कारण कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण ग्रहों कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम, तो स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है, तो उस अज्ञान के कारण जीव मूर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूर्ता है। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है जिसके द्वारा उस मूर्ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों से कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। तो शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है वह स्वयं कभी नहीं बदलता, इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं, इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगत का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्व ज्ञान ढका रहता है। अज्ञान शब्द में जो नजह समास है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो, इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा गया है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं, यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है। तो इंद्रियों का ज्ञान सीमित है, इंद्रियों के ज्ञान की उपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है,
परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है, अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है? इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। तत्तेन मुह्यन्ति जन्तवः, भगवान ने जन्तवः पद देकर मानव मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में जंतु अदार्थ पशु ही हैं। क्यों? तो उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। तो आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता, मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। तो पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं? तो सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। तो जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है, केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। तो इस मूर्खता अज्ञान को ही यहां तेन पद से कहा गया है। इस मूर्खता से अज्ञानी मनुष्य सुखी दुखी हो रहे हैं, इस बात को यहां तेन मुह्यन्ति जन्तवः पदों से कहा गया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।